12 अक्टूबर साल 1972, बरमूडा के एक छोटे से शहर क्लॉक टावर से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है लॉस सैंटोस के एक छोटे से शहर में, और इस हवाई जहाज में बैठे हैं फ्री फायर वर्ल्ड के कुछ दिग्गज प्रो प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो कुछ इनके फ्रेंड्स और इनकी फैमिली भी इनके साथ आए हुए हैं। ये उड़ान को ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, वैसे क्लॉक टावर से लॉस सैंटोस जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में आती है विशाल ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियों में से आती है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में है, जो इन पैसेंजर्स के लिए एक मुसीबत बन जाती है। 12 अक्टूबर के दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। प्लेन्स के पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन उड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। उन पहाड़ियों के पास किसी गांव में प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है दोपहर के 12:18 पर। पायलट्स ने देखा था कि मौसम काफी साफ हो चुका है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पायलट प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। ये प्लेन लॉस सैंटोस के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन ये अभी भी पहाड़ियों में था। नीचे उतरते समय एक भयानक सी टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से हिलने डुलने लगता है। उसी समय बहुत सारे बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स एंड वार्निंग लाइट्स जलने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इस प्लेन में बैठे फ्री फायर के कुछ प्रो प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा निडर है, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है, तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं। जैसे ही ये प्लेन बादल से बाहर निकलता है, तो पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली वो पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं प्लेन को ऊपर ले जाने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का नीचे का हिस्सा टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। इस हिस्से के टूटने से कुछ पैसेंजर बाहर हवा में उड़ जाते हैं। ये प्लेन कुछ सेकंड तक ऊपर जाने लगता है, उसके बाद ये नीचे गिरने लगता है। एंड अप प्लेन का फर्स्ट पोर्शन नीचे जाता है और एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो जाता है एंड दो पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब किसी अनजान पहाड़ी में 3,570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात ये है, प्लेन में बैठे 45 लोगों में से कुछ लोग अभी भी जिंदा है। ये लोग इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। पता चलता है ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। और इन प्रो प्लेयर्स की कहानी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। ना तो वो लोग इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि इन लोगों के साथ आगे क्या हुआ। ये है फ्री फायर की दिल दहला देने वाली कहानी। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। इस क्रैश के बाद दो लोग ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 18 साल का एडम एंड दूसरा 21 साल का सकूरा। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, इसलिए ये दोनों काम पर लग जाते हैं घायल लोगों की मदद करने के लिए। ये देखते हैं बहुत से पैसेंजर ऐसे हैं जिन्हें बहुत गहरी चोटें आई थी। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों कोशिश करते हैं बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के बाद फ्री फायर की टीम को मैसेज पहुंच जाता है। हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को खोजने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये लोग क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ नहीं मिलता। इतनी बड़ी और ऊंची पहाड़ियों में इनको ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात थी। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बहुत ही ज्यादा होपफुल थे कि एक रात बस वो निकाल ले, अगले दिन तो उनको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। इन बचे हुए लोगों ने रात में ठंड से बचने के लिए प्लेन की सीट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले दिन 14 अक्टूबर सर्च ऑपरेशन फिर से स्टार्ट होता है। इन लोगों ने जो सर्च एरिया चॉइस किया था
वो बिल्कुल सही था। इस एरिया के अंदर ही इस क्रैश साइट की लोकेशन मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये लोग इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं सारी सूटकेस को जोड़कर एक बड़ा सा एक्स मार्क बना दिया जाए ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो इनको ढूंढ ले। लेकिन जल्द ही ये लोग रियलाइज कर लेते हैं कि ये सब भी काम नहीं कर रहा है। उस दिन इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये लोग हाथ फेरा कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे ये हवाई जहाज इनको नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में निकल जाता है। अगला दिन बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। इनमें से पर क्रिमिनल पानी को खोज लेता है। अगला दिन 16 अक्टूबर डीजे लोग जाग उठता है अपने कोमा से। जैसे उसे होश आता है उसे पता चलता है कि उसकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। बहुत कम चांस है इतने दिनों बाद वैसे भी कोई जिंदा बचा होगा। इसी बीच पैसेंजर को एक ट्रांसमीटर रेडियो मिलता है। ये लोग इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं और इनके इतने एफर्ट्स की वजह से फाइनली रेडियो ऑन हो ही जाता है। इस रेडियो से केवल वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। इसका मतलब बाहर की चीजें ये सुन तो सकते थे लेकिन अपना मैसेज ये बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इनको पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन अब बंद हो चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद। एडम एक लौता ऐसा था जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान बन रहा था। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में, कुछ बर्गर और कुछ एप्पल्स ही इनके पास मौजूद थे। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन लोगों ने डिसाइड किया जिंदा रहने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों की डेड बॉडीज खाने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जब दो दिन और गुजरे और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो इन लोगों ने भी इंसानों को अपना मीट का ऑप्शन बना लिया था। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे। लेकिन उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है भारी बारिश के साथ अचानक बादल फट गया है। वो सिचुएशन इतनी भयानक थी कि उसमें रेड क्रिमिनल के सभी साथी मारे जाते हैं और अब बस कुछ लोग ही जिंदा बचे थे। इनमें एडम और सकूरा दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से थे। अब ये दोनों कोशिश करने वाले हैं यहाँ से बाहर निकलकर रास्ता खोजने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। तो इन दोनों ने अंदाजा लगाया कि हम दोनों वेस्ट की साइड में कुछ दूर चलेंगे तो हम जरूर परमुड़ा वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत बहुत गलत था। घंटों तक चलने के बाद इनको अपने ही हवाई जहाज का एक टुकड़ा मिलता। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। इस प्लेन के पास सूटकेसेस में इनको खाने पीने का भी कुछ सामान मिलता है। उस रात ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहीं पर रेस्ट करेंगे। इन्हें अभी भी लगता था कि ये कुछ किलोमीटर दूर है और दो तीन दिन चलने के बाद ये मदद ढूंढ ही लेंगे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये दोनों आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन इनको रियलाइज होता है कि ये लोग कितने गलत थे। आगे इनको दिखता है ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से सकूरा डिसाइड करता है कि वो वापस क्रैश साइट पे चला जाएगा और अब एडम ही आगे बढ़ेगा। सकूरा सिर्फ एक घंटे में क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इनको तीन दिन लगे थे और ये सिर्फ एक घंटे में वापस पहुंच जाता है। अकेला एडम आगे बढ़ता रहता है, पहाड़ी चढ़ता रहता है। तीन घंटे के बाद एडम पहाड़ी की पीक पर पहुंच जाता है और एडम को दिखता है कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है। एडम बहुत मुश्किल करता है ढूंढने की कि उसे कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर पहाड़ियों के बीच एडम को कुछ बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है। ये अंदाजा लगाता है कि उसे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। फाइनली एडम एक वैली में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक नदी बहती दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। फाइनली 10 दिन चलने के बाद एडम को इंसानों की प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ घर दिखाई देते हैं, तभी नदी के दूसरे किनारे उसे बाइक पर बैठा एक इंसान दिखाई देता है। एडम चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है और बोलता है कि वो कल फिर से आएगा। अगले दिन वो आदमी फिर से आता है और एडम को अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले जाता है।
फाइनली एडम आर्मी कमांड के ऑफिस के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। पता चलता है एडम 60 किलोमीटर पैदल चलकर वहां तक पहुंचा था। फ्री फायर की टीम एक हेलीकॉप्टर भेजती है बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। एडम पायलट्स को लोकेशन बताता है और फाइनली वो लोग क्रैश साइट पर पहुंच ही जाते हैं। 22 दिसंबर 70 दिन के बाद फाइनली फ्री फायर के प्रो प्लेयर्स को बचा लिया जाता है। ये कहानी आप लोगों के लिए है उम्मीद को लेकर। अगर आप कुछ ठान लेते हो कुछ करने का तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ मुझे कमेंट करके बताना वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था।